देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल चैनल HS News। इस पे मैं रोजाना लेके आता हूं कुछ गुड लक प्रोग्राम, जिससे आपके भविष्य के बारे में सुंदर से सुंदर जानकारी आपको प्राप्त करा सकें। लेकिन इस कार्यक्रम को देखने के लिए ज़रूरी है आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें यूं ही अपना प्यार देते रहें। अब बात करते हैं धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस की पूजा शाम 7:08 से प्रारंभ होके रात 8:14 तक है। अवधि 1:06। प्रदोष काल एक विशेष पूजा होती है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रदोष काल में किया गया पूजा निश्चित रूप से धन कारक माना गया है। पूजा वसान समय दस वक्र गीतम, यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोष। प्रदोष काल की पूजा धन ऐश्वर्यकारी मानी जाती है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि प्रदोष काल की पूजा जरूर करें, जो कि शाम 5:39 से प्रारंभ होकर शाम 8:24 तक। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन के समय या संध्या काल में अगर खरीदारी की जाए तो तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। धनतेरस का त्यौहार आने वाला है। 5 पर्वों वाली दीपावली की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी के सचिव कुबेर की पूजा होती है। कुबेर के वरदान से घर में अपार धन के भंडार लग सकते हैं, लेकिन इनके पूजन के लिए धनतेरस के दिन कई उपाय भी किए जाते हैं। धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यम का दीपक अपने मुख्य दरवाजे से दाहिने हाथ पे, मतलब कि दक्षिण की तरफ आप जलाएं तो अकाल मृत्यु की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन आप चतुर्मुखी दीपक यमराज के नाम से ओम यमराजाय नमः गेहूं या चावल पे उसे स्थापित करके धर्मराज यमराज को प्रणाम करके अपने घर की अकाल मृत्यु को दूर करा सकते हैं। धनतेरस पे विभिन्न धातुओं से बने बर्तन, सोना चांदी खरीदना बड़ा लाभकारी माना जाता है। इसी दिन धातु का सामान खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन के समय में या सायंकाल में अगर आप खरीदारी पे जाएं तो तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। क्यों मनाया जाता है धनतेरस? कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाने वाला धनतेरस इतिहास बहुत प्राचीन है। देव दानव संवाद जब हुआ था, उस समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। तभी से इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक धन्वंतरी के प्रकट होने के ठीक 2 दिन बाद माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। यही कारण है कि 2 दिन बाद दीपावली ही मनाई जाती है। इस दिन स्वास्थ्य रक्षा के लिए भगवान धन्वंतरी देव की उपासना भी की जाती है। उपासना का प्रकार मैं आपको समझाऊंगा। आप एक जलपात्र लें, उस जलपात्र में, जलपात्र का मतलब लोटा, धातु का हो तो ज्यादा अच्छा है। उस लोटे में आप गंगा जल या जल भर करके आम का पल्लव रख करके एक नारियल स्थापित कर दें, भगवान धन्वंतरी का आवाहन करके ओम धन्वंतरे नमः, हल्दी अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य दिखा करके भगवान धन्वंतरी को, भगवान धन्वंतरी का पूजन करके
उस जल को पूरे घर में छींटा करने से निश्चित रूप से भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर के समस्त रोगों का शमन हो करके हमारे घर में आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस दिन को कुबेर का भी दिन माना जाता है और धन संपदा के लिए कुबेर की जाती है। धनतेरस पे कैसे करें पूजा? धनतेरस के शाम के वक्त उत्तर की ओर कुबेर और धन्वंतरी की स्थापना की जाती है। दोनों आप देवताओं के सामने एक एक मुखी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर को सफेद मिठाई और धन्वंतरी को पीली मिठाई चढ़ाना इसे शुभ माना गया है। इस दिन सबसे पहले ओम रिंग कुबेराय नमः इस महामंत्र का 108 बार जप कर लेने से दिवाली के दिन माता लक्ष्मी का कुबेर का के साथ हो जाने से पूरे एक साल तक आपके घर में धन की वर्षा होती है। इसके बाद भगवान धन्वंतरी के स्तोत्र का पाठ करना जिससे एक वर्ष तक आपके जीवन आरोग्यता के साथ साथ आपको धन भी प्राप्त होता है। क्योंकि धन से पहले आरोग्यता जरूरी है, इसलिए हम माता लक्ष्मी का पूजन अर्थात दीपावली का पूजन करने के पहले भगवान कुबेर माता लक्ष्मी के बड़े भैया का पूजन करते हैं जिससे कि हमें आरोग्यता मिले और माता लक्ष्मी का साथ। पूजा के बाद दीपावली के समय में जहाँ पे आप अपना गल्ला रखे हैं, मतलब धन का स्रोत जहाँ पे है, वहाँ पे कुबेर को स्थापित कर दें और पूजा स्थान पे आप भगवान धन्वंतरी की स्थापना करें। अब कौन से उपाय करने से मिलता है लाभ? धनतेरस के दिन धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए, साथ ही नवीन झाड़ू लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि माता लक्ष्मी झाड़ू से खुश होती हैं। क्योंकि झाड़ू साफ सफाई करती है तभी माता लक्ष्मी निश्चित रूप से आपके घर में बैठती है। इसलिए माता लक्ष्मी देखती हैं कि झाड़ू किसके घर में है, उसी के घर में स्थापित है। आप इसके साथ साथ सूप भी खरीद सकते हैं और उसका पूजन भी करना चाहिए। इस दिन सायंकाल दीप प्रज्वलित करके घर दुकान आदि में दीपक की स्थापना करनी चाहिए। मंदिर गौशाला नदी घाट कुआं तालाब बाग बगीचे में भी दीपक की स्थापना करनी चाहिए। धनतेरस के दिन क्या जरूर खरीदें? धनतेरस के दिन पानी वाले बर्तन मतलब लोटा ग्लास आदि जरूर जलपात्र जरूर खरीदना चाहिए। खील बतासे मिट्टी के दीपक एक बड़ा दीपक जरूर खरीदें। चाहे तो अंकों से बना हुआ धन का कोई यंत्र भी खरीद सकते हैं, जैसे महालक्ष्मी यंत्रम कुबेर यंत्रम महामृत्युंजय यंत्रम। यह यंत्र तांबे तथा पीतल पे अंकित होने चाहिए या स्वर्ण पत्र पे अंकित होने चाहिए। यथाशक्ति तांबे पीतल चांदी ग्रह उपयोगी नवीन बर्तन और जेवर जरूर खरीदें, क्योंकि शुभ माना जाता है। आज का यह कार्यक्रम मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं आपके लिए फिर लेके आऊँगा ऐसे सुंदर से सुंदर कार्यक्रम जिससे कि आपके जीवन में उन्नति मिले। लेकिन आप हमारे इस कार्यक्रम पे स्पोर्ट बिजनेस की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।